पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने वन महोत्सव के अंतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर वृक्षारोपण अभियान चलाया। कार्यक्रम के तहत सूत मिल कंपाउंड पुतली घर में 21 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष शैफाली चौहान रही और गिरीश वर्मा सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग संयुक्त रूप से उपस्थित रहे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा मौजूद रहे, तो वहीं महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा और क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा मदालसा शर्मा भी उपस्थित रहीं। इस दौरान मंडल अध्यक्ष लाइनपाल डॉक्टर संजीव चौहान, महिला मोर्चा संयोजिका विजय लक्ष्मी पंडित, पंकज शर्मा, दिनेश सिंह सिसोदिया, शशि किरण, दीपक सैनी, पार्षद माया सैनी, दीपक यादव के साथ और भी सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान सभी के द्वारा सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। साथ ही कहा गया कि जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, उसी तरह से हम सभी को 2022 को सींचना है, इसीलिए सभी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। तो वहीं पर्यावरण को संरक्षित करने का भी सभी ने संकल्प लिया। इस दौरान कहा गया कि सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण को संरक्षित रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारे जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर हमारे बीच में हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शैफाली जी और उन्हीं के साथ हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य मेरे भाई आदरणीय गिरीश वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्षेत्र की मंत्री मदालसा शर्मा जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी जो इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं, मेरे साथी दिनेश सिसोदिया जी, श्याम बिहारी शर्मा जी, पंकज जी और इस मंडल के अध्यक्ष संजीव चौहान जी और इस कार्यक्रम की संयोजिका सुनीता सैनी जी, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष में आज हमने यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। और ये पौधे जो कि हमारे लिए सबसे ज़रूरत है, पिछली महामारी में हमने देखा था कि ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, आज हमारी नीड बन चुका है। जिस तरह से अपना अन्न हम अपने राशन की चिंता करते हैं, इसी तरह अपने सामान की चिंता करते हैं, इस तरह हमें अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उसी तरह इन पेड़ पौधों की चिंता करेंगे, तभी हम अपने जीवन को बचा पाएंगे। मेरा आज के दिन यही सबसे कहना है कि वृक्ष को लगाइए और उसे अपने बच्चे की तरह पालिए। आज हमारे दो कार्यक्रम थे, एक हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म जयंती अवसर है, दूसरा हमारे 1 जुलाई से जो वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, पौधारोपण कार्यक्रम, उसी के अंतर्गत आज हम महानगर महिला मोर्चा के साथ मिलके हमने यहाँ पे पौधारोपण किया है। मैं एक डॉक्टर हूँ तो इस बात को हमेशा कहती हूँ कि जो हमने पिछले कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी देखी, वो कहीं ना कहीं उस कमी की वजह यही है कि आज हम अपने जंगलों को खोके कंक्रीट के जंगलों में खो गए हैं। और ये कंक्रीट के जंगलों में जब तक हम जीवन यापन करेंगे, जीवन की शुद्धता, ऑक्सीजन, जीवन की एक निश्चलता जो थी वो खो चुकी है। जब पौधे लगते हैं, पौधे वृक्ष बनते हैं, वृक्षों पे पेड़ पे जब पंछी आते हैं, तो रोज सुबह जो हम गाड़ी के हॉर्नों के शोर से उठते हैं, उसकी जगह जब हम पंछियों के शोर से उठेंगे तभी हमारी सुबह सफल होगी। जनसंघ के संस्थापक सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने एक हिंदुत्व की भावना जगाकर जनसंघ पार्टी का गठन करा और उनका सपना था कि पूरा हिंदुस्तान एक हो, कश्मीर की लिए उन्होंने कूच किया और वहीं कश्मीर में उनका बलिदान हुआ। धारा 370 हटाने का उनका सपना था जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने। आज उनका जन्म दिवस है, इस अवसर पर हम लोग वृक्षारोपण लगातार कर रहे हैं और बहुत बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम। ऑक्सीजन की जो किल्लत पिछली बार आई थी, उससे दूरी के लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। इसी सिलसिले में लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं और आज केंद्रीय नेतृत्व का आदेश था, ये निवेदन था समस्त कार्यकर्ताओं से कि माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मोत्सव पर हम लोग वृक्ष लगाएं। लाइनपा मंडल का विशेष तौर पर आभार, महिला मोर्चे की महानगर संयोजिका ने बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट नोटिस में, अच्छी संख्या में यहाँ पर पूरी व्यवस्था करी, उनका भी बहुत बहुत आभार। और हमने जो वृक्ष लगाए हैं, हम ये कहते हैं इस वृक्ष को हम
ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी पूरी हो गया लगा के छोड़ दिया। इस वृक्ष की हम हर हफ्ते 15 दिन में इसको देखभाल करेंगे और ये इतना बड़ा वृक्ष बनेगा कि इसको लोग लाइन पर लोग भी देखेंगे कि वास्तव में वृक्षों को हमने करा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।